नमस्कार, मैं आरजू मनोज आईएएस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारे परिचर्चा का विषय है हिंदी साहित्य। स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, उन सब का आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सर, कुंवर दिग्विजय सर, प्रताप सर। ये उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। सर, कुछ अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कि कल्पना सूरत से जानना चाहती हैं वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का की चयन क्यों करना चाहिए, उनको ये चुनने से क्या लाभ होगा। तो सर आप इस पर। देखिए, हिंदी साहित्य का जो विषय है यह निश्चित रूप से यूपीएससी में सबसे अधिक अंक देने वाला सब्जेक्ट रहा है अभी तक, और लोग इसको पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि यह निबंध और आपका जो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी का, उसमें भी 300 अंक का होता है, जिसमें 25% मार्क्स लाना आपको आवश्यक है। उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि बच्चे को ऐसे समय में हिंदी नहीं पढ़ना पड़ता जब उसके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और यूपीएससी की जो गाइडलाइन है वो ये कहता है कि अभी तक जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं सबसे अच्छे अंक देने वाले सब्जेक्टों में हिंदी और संस्कृत का स्थान रहा है, तो ज़्यादातर बच्चे इसलिए हिंदी को लेना उचित समझते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कल्पना का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानसी लखनऊ से, ये जानना चाहती है कि उत्तर लेखन में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। हिंदी का जो आप शब्द लेखन, इसका उत्तर अगर लिखना चाहते हैं, हिंदी में बहुत जरूरी होता है कि हिंदी के जो तर्कयुक्त क्वेश्चंस होते हैं इसमें कोटेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लिख रहे हैं, कविता क्या है, निबंध है, चिंतामणि है और तमाम ऐसे निबंध हैं, कबीर हैं, फिर सूर की बिहारी हैं, गोदान है, तो इनमें जब आप लिखते हैं तो इसका तुलनात्मक अध्ययन पहली बार करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा बहुत बड़ा इसका ये होता है कि आप कोटेशन जरूर लिखें। जैसे अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो किस आलोचक ने, गोदान जैसे निबंध है तो कौन सा आलोचक उसका अपने विचार दिया है, व्यक्त किया है विचार, मुंशी प्रेमचंद कहाँ तक समाज से और तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों से कहाँ तक सहमत रहे उसको बताना जरूरी है। कबीर के बारे में लिख रहे हैं तो कबीर के बारे में अगर लिख रहे हैं तो उनको कोटेशन देना बहुत जरूरी है। उन्होंने भाषा को किस रूप में अपने दोहों से व्यक्त किया है और अपने पदों में भाषा का कैसा प्रयोग किया है, क्या उनके छंद रहे, क्या अलंकार है, इनको जब भी लिखेंगे एक आपको उदाहरण देना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इस तरह से उसका उत्तर लिखना चाहिए। और वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ बहुत जरूरी हैं हिंदी में, और पॉइंट बाई पॉइंट क्वेश्चन लिखना आवश्यक होता है मैथ में, और इससे आपको अंक अच्छे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आता है महेश, जो कि दिल्ली से हैं, वे जानना चाहते हैं कि विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो और हिंदी साहित्य का चयन करना चाहते हैं, तो क्या वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं सर। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा को हम पहले से जानते रहते हैं। जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है, जिसे हम प्रायः व्यवहार में नहीं बोलते हैं, उसको पढ़ना और पढ़ करके बनाए रखना कठिनाई होती है। जैसे बहुत से बच्चे क्या हैं कि स्पोकन इंग्लिश सीख लेते हैं लेकिन जब वो प्रैक्टिस नहीं करते उसको तो भूल जाते हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है कि भारत के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है, जिससे जो है बालक आसानी से इस भाषा को समझ सकता है, बोल सकता है। रही बात व्याकरण संबंधी और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको थोड़ा सा मेहनत करके शुद्ध कर सकता, अच्छा कर सकता है, तो विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी से आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। अभी तक कई यूपीएससी में ऐसे विद्यार्थी रहे हैं, एक बीटेक किया हुआ बालक जो है, मैंने जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तब की बात है, तो वो जो है सेकेंड रैंक लाए थे और बीटेक किया था और संस्कृत सब्जेक्ट रखा, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा जो है किया है। तो निश्चित रूप से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी को से अच्छा लाभ होते हैं और उनको लेना चाहिए, और साहित्य हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। जी सर, थैंक यू सर। महेश, जैसा कि मेरा मानना है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और अब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं हिंदी साहित्य के साथ। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रवि मीना राजस्थान से, ये जानना चाहते हैं क्या हिंदी साहित्य से निबंध विषय में भी अंक का सुधार आएगा, अगर वो हिंदी साहित्य चुनते हैं तो विषय जो हमारे निबंध का पेपर होगा उसमें उनको इससे हेल्प मिलेगी सर। निश्चित रूप से जो इनका मीरा जी का प्रश्न है वो काफ़ी उचित है, क्योंकि
और आपको मैं बता दूं कि निबंध अगर आप लिखते हैं हिंदी या अंग्रेजी दोनों में, कोटेशन आप या तो हिंदी का डाल सकते हैं अंग्रेजी का डाल सकते हैं, दोनों का डाल सकते हैं। आंग्ल भाषा भी उतना ही महत्वपूर्ण है इसमें और जितना हिंदी है। तो सरलता से अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको अंग्रेजी में समस्या, कभी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं इसमें, कोटेशन के लिए सहारा ले सकते हैं। और निबंध विषय जो है ऐसा है कि इसमें दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी लंबे लिखने रहते हैं, तो आपको भाषागत सहायता जो है हिंदी से मिल जाती है। प्लस आप कोटेशन इसमें डाल सकते हैं, किसी भी राइटर की पंक्तियाँ हैं ले सकते हैं, भ्रष्टाचार हो चाहे बेरोजगारी हो, कहीं भी इससे जो है पंक्तियाँ डाल करके अपने प्रतिविधि परिस्थितियों को आप व्यक्त करने में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे आप एग्जामिनर को आसानी से समझा सकते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से निबंध लिखने में काफ़ी सहायता है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीरज बिहार से। वे बोलना चाहते हैं कि निबंध लिखने के लिए आप उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताएं जिससे कि उनका प्रेजेंटेशन अच्छी हो। हाँ नीरज जी, आप निश्चित रूप से बिहार से हैं तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे या अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी होंगे, बस आपका भाषा पर अच्छा पकड़ होगा, मैथिली क्षेत्र है आपका। तो आपको मैं बता दूं कि निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो निबंध में लिखने का सबसे पहला तरीका है कि किसी भी विषय वस्तु का अगर निबंध आप लिखते हैं तो उसमें पहला आपका ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला आपका विचार होना चाहिए, आप किसी पंक्तियों से, किसी कविता या किसी स्लोगन से आप निश्चित रूप से अपने निबंध की शुरुआत करें, ये जरूरी होता है। और बीच बीच में आप निबंध की विषय वस्तु को तत्कालीन परिस्थितियों से जोड़ते हुए चलना है, समसामयिकी उदाहरण उसमें आपको देते चलना है कि किस तरह से ये जो है समाज पर अभी प्रभाव डाल रहा है और इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, तो उसको निबंध के उद्देश्य में आप उसको व्यक्त करेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है निबंध में इन पंक्तियों को ध्यान में रखना है, और इसको निबंध लिखित शुरुआत और अंत दोनों जो है पंक्तियों से ही करना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में मैं हमारे माननीय कुंवर दिग्विजय सर से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। साहित्य का जीवन में सर कितना महत्व है, इसके आप इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से मनोज जी ने एक बुद्धि की तस्वीर पूरी तरह से साफ की है। मैं साहित्य को विषय में इतना ही बताना चाहूँगा, साहित्य बहुत ही एक रोचक सब्जेक्ट है। साहित्य की जो शाब्दिक परिभाषा है, साहित्य साधन हित दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब सबके साथ मिलकर चलना, सबके हित की कामना करना। साहित्य मानवतावाद की बुनियाद, साहित्य में भावों की पयोधि प्रभावित होती है। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य सिर्फ जीवन की आलोचना नहीं है बल्कि एक विधायन कलाकार भी है, जो तत्कालीन समस्याओं पर विचार भी प्रस्तुत करता है, साथ ही उसका हल भी प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य, समाज और राजनीति एक माला जैसे हैं। जिस देश का साहित्य जितना अच्छा होगा उसका समाज भी उतना अच्छा होगा, और मजबूरन राजनीति भी उतनी अच्छी होगी। साहित्य में आप देखेंगे चाहे स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाइयाँ हों, चाहे महंगाई की मार से त्रस्त जनता का दर्द, सब में साहित्य मौजूद है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि साहित्य जो अतीत से प्रेरणा लेता है, वर्तमान वर्जनाओं को दूर करता है और एक अच्छे भविष्य का आगाज करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।